हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं और विषम संख्याओं की सीरीज दी हुई थी, उनका योग करना सीखा था। आज हम लोग प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों की जो सीरीज होगी उनका योग करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से योग करना सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 80 स्क्वायर। क्या दिया गया है? 80 स्क्वायर। और ये इस सीरीज का हमें क्या करना है? योग करना है, ठीक। तो अब ये बताओ कि सबसे पहले ये सीरीज जो है वो किसकी है? प्राकृतिक संख्या की है कि विषम संख्याओं की है कि सम संख्याओं की है, ठीक। तो ये जो सीरीज है ये किसकी है? प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है। और जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो संख्याएं 1 से अनंत तक जाती हैं वही कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं। मतलब हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है और इन्फिनिट तक जाती है, ठीक। तो ये हमारी सीरीज जो है प्राकृतिक संख्याओं की है, 1 से शुरू है। अब हमें इसका क्या करना है कि इनके जो वर्ग दिए गए हैं इनका ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो लास्ट का संख्या दी होगी उसको लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक, 1 ऐड कर देंगे। और फिर इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आएगा? 161। कौन सी? 80 को और 81 को ऐड करेंगे तो 161 आएगा, लिख दिया। और फिर इसके बाद में इसको क्या कर देंगे हम? 6 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। सब में क्या करना है कि जब भी प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज दी होगी उसमें वर्ग लगा होगा, सम संख्याओं की सीरीज दी होगी उसमें वर्ग लगा होगा, विषम संख्याओं की सीरीज दी हुई होगी और उसमें भी वर्ग लगा होगा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 6 से। तो हमने यहाँ पर 6 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं, कुछ कट जाता है तो काट देते हैं, बाकी फिर संख्याओं को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 और क्या आ जाएगा? 40। अब इस 3 से 81 क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 27। क्या आ जाएगा? 27। अब ये संख्याओं को क्या कर लेंगे हम लोग? नीचे उतार लेंगे, नीचे ले आएंगे 161। इन सब का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 173880 आएगा। क्या आएगा? 173880 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। कब? जब सीरीज कैसी दी हो? प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज दी हुई हो तब ऐसा करते हैं। तब क्या क्या करेंगे? 80 ले लेंगे। 80 में क्या, एक हम 8 हमने जोड़ दिया, 81 हो गया। फिर 80 को और 81 को हमने ऐड कर दिया, 161 आ गया। फिर उनके बीच में, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा के 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर डैश डैश 70 स्क्वायर। अब ये सीरीज किसकी है? ये भी सीरीज नेचुरल नंबर की सीरीज है। 20 21 22 ये किसकी सीरीज है? नेचुरल नंबर की ही तो सीरीज है। पर हमने क्या सीखा है कि जो नेचुरल नंबर की सीरीज होती है वो 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो यहाँ पर तो 1 कहीं लिखा नहीं है, तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसी तरीके से करते करते हम लोग कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 19 के स्क्वायर तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 19 के स्क्वायर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। क्यों ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमसे कहा गया है क्रमागत संख्याएं। क्या कहा गया है? क्रमागत संख्याएं। और यहाँ पर सीरीज किसकी चल रही है? नेचुरल नंबर की चल रही है, और नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, ठीक। तो हमने 1 से 19 तक की एक अपने मन से जोड़ ली यहाँ पर, ठीक। और ये हमारा सवाल है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 से 70 तक के वर्गों का योग निकाल लेंगे,
फिर उसके बाद 1 से 19 तक के वर्गों का योग निकाल लेंगे, फिर 1 से 70 के जो वर्गों का योग होगा उसमें 1 से 19 तक के वर्गों के योग को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इतने वर्ग, इतनी संख्या के वर्गों का योग आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस 1 से लगा के 70 तक की पूरी सीरीज के वर्गों का योग निकालते हैं, वो कैसे आएगा, फिर हम लोग सेम लिखेंगे, 70 लिख देंगे लास्ट में, फिर 70 में एक ऐड कर देंगे 71 हो जाएगा, फिर 70 और 71 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 141, और डिवाइड किससे कर देंगे 6 से, कर दिया डिवाइड। इसके बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये वाली इसमें घटानी है, पहले पूरे का फिर इतना घटा देंगे तो इतने का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में 19 है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 19 लिख देंगे, 19 के बाद में यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा, 20 के बाद में क्या करेंगे इन दोनों को एक दूसरे से ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, अपान क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, अपान 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे पीटेंगे जो 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 बचेगा, फिर उसके बाद सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और यहाँ पे 35 आएगा, फिर ये 3 से ये इसको, ये 3 क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, कट कर देगा, तो यहाँ पर 47 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में ये 2 3 6 आ जाएगा और 2 10 20 आ जाएगा, इस 3 से 39 कट जाएगा, 13 आ जाएगा। अब हमें क्या, जो जो बच रहा है सारा लिख लो, 35 71 47 -19 × 10 × 13 इतना बच रहा है। अब इन सबका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आएगा 11 6 7 9 5, ये इसका मल्टीप्लाई आएगा, और इसका मल्टीप्लाई आएगा 2 4 7 0, ठीक। ये सारा मल्टीप्लाई लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई ये आएगा, इसका ये आएगा। अब इसके बाद में इसमें इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1 1 4 3 2 5, ये आएगा, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो इतनी सीरीज थी इसका आंसर क्या आ गया, इतना आ गया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होती हैं, और जो ये सीरीज थी ये हमको बीच से दी हुई थी, हाँ बीच से तो दी है, 20 से शुरू कर दी, क्योंकि 1 से शुरू नहीं की तो हमें इसलिए यहाँ पर 1 से 19 तक की सीरीज और ऐड करनी पड़ी, तब जाके हमारा इसका आंसर आएगा। अगर हम इसको सिंगल लिख के 70 और इतने का निकाल लेंगे तो ये पूरी सीरीज का आंसर आएगा, ना कि इतनी सीरीज का, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर, और इसके वर्गों का योग बताना है। तो हम कैसे करेंगे, तो अब देखो ये सीरीज, पहले देखो कौन सी है, ये सीरीज जो है वो सम संख्याओं की सीरीज है। सम संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, तो हमारी सीरीज तो बिल्कुल सही लिखी है, इसमें हमें कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सम संख्याओं की सीरीज 2 से तो शुरू होती है, तो 2 से शुरू हुई कहाँ तक गई, 20 तक, और इसका हमें क्या करना है, ऐड बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी सम का पूछा जाए और विषम का पूछा जाए, किसका, सम का और विषम का, तो हम क्या करेंगे, लास्ट की संख्या ले ली 20 20, फिर 21, फिर 22, बस इसमें एक मोटा सा फंडा याद रखना है, जब भी सीरीज कैसी होगी, क्रमागत होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार चलती होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट की संख्या लिखेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर उन दोनों का ऐड लिख देंगे, जैसे कि हमने पहले वाले सवाल में किया है। अब यहाँ पर सीरीज क्या है, सीरीज यहाँ से एक गायब है, 5 गायब है, यहाँ से क्या गायब है, 2 के बाद में 3 होना चाहिए, 3 नहीं है, और 4 के बाद में 5 होना चाहिए, 5 नहीं है, तो ये सीरीज क्या है कि अल्टरनेट वाली सीरीज है, ठीक है, अल्टरनेट है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 20 लेंगे, 20 में 1 ऐड तो करेंगे, पर यहाँ पर इन दोनों का ऐड नहीं लिखेंगे, बल्कि एक संख्या में एक और ऐड कर देंगे, तो 20 21 22 आ गया। इसके बाद में क्या कर देंगे अपान, सेम वैसे ही कर देंगे 6, ठीक, क्या कर देंगे 6, कब, जब सम दी हो,
या विषम दी हो तब हम ऐसे करते हैं 20, 21, 22। ऐसे मान लो यहाँ पर दिया हो 40, क्या दिया हो 40, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40, 41, 42, ऐसे लिख देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि सम है। इसी तरीके से क्या होता है, विषम वाले में होता है। बाकी जो नेचुरल नंबर होती है नेचुरल वाले में 80, 81 और फिर 80 और 81 दोनों का एड 161 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कट करेंगे, इसको हम कट करेंगे, 2 से कट हो जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, तो कितना आ जाएगा 10 × 7 × 22। इन सब का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1540 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सम और विषम में लगातार संख्याएं लिख देते हैं 3, जैसे कि हमने क्या किया 20, 21, 22 लिख दी। और जब भी नेचुरल नंबर होगा तो 1 लिखेंगे, फिर उसमें 80 लिखी, उसमें 1 ऐड किया, 81 हो गया, फिर 80 और 81 को ऐड कर दिया। अब इसके बाद में कौन आया, हमारा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे क्या है, 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 70 का स्क्वायर। कहाँ तक गया है, 70 तक गया, 70 का स्क्वायर का योग करना है। अब ये सीरीज कौन सी है, ये भी सीरीज किसकी है, सम संख्याओं की सीरीज है। किसकी सम संख्याओं, क्योंकि अल्टरनेट पे दी हुई है, यहाँ पे 36, 38, 40 दिया हुआ है, 37 गायब है, 39 गायब है, ये सम संख्याओं की सीरीज है। पर हमको पता है कि सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं, 2 से शुरू होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस सीरीज में कहाँ से कहाँ तक का गायब है, 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में आएगा 4 का स्क्वायर, फिर इसके बाद में आएगा 6 का स्क्वायर, और फिर इसके पहले क्या आएगा, 34 का स्क्वायर। ऐसे तो सीरीज चलेगी, 34 का स्क्वायर यहाँ पे क्या कर देंगे, डैश डैश, मतलब कि 2 से लगा के 34 तक अल्टरनेट पे लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये सीरीज यहाँ से हमारी चालू होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से लगा के 70 तक के वर्गों का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद में 2 से 34 तक के वर्गों का योग निकालेंगे, फिर पूरे में इतना घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 से 70 तक के वर्गों का योग निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 70, 71, 72 लिख देंगे, अपान 6 कर देंगे। ठीक, सिंपल, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। लास्ट में यहाँ पर 34 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 34, 35, 36 अपान 6 कर देंगे। अब क्या कर देंगे, काट पीट देंगे जो कट जाएगा। तो इसके बाद में इसको किससे काटेंगे, इसको हम लोग काट देंगे, ये कट जाएगा 6 × 6, 6 × 6, 2 × 12 और ये 6 × 6 = 36 और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 70 × 71 × 12 − 34 × 35 × 6 ये है। अब इसका पूरे का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 6 4 0 आएगा, फिर माइनस लगा देंगे, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 4 0 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें इतने को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर आएगा 5 2 5 0 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम तुरंत सीधे से 70 का लिख के निकाल देते तो हमारा सवाल गलत हो जाता, आंसर गलत हो जाता, क्योंकि हम इतने का तो थोड़ी निकाल रहे थे, वो तो हम 1 से 70 तक का निकाल देते तो हमारा आंसर कितना आता, इतना आता, जो कि गलत होता। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, अब हम लोग कौन सा पांचवा नंबर लेते हैं, कौन सा है पांचवा। सम विषम में ऐसा करते हैं, बाकी सब में वैसे ही करते हैं। पांचवा नंबर ले लिया, पांचवा कौन सा है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 21 का स्क्वायर। क्या दिया गया है, 21 का स्क्वायर, इसका हमें वर्ग बताना है। अब बताओ ये सीरीज किसकी है, नेचुरल नंबर की है कि ऑड नंबर की है कि इवन नंबर की है। तो जो ये हमारी सीरीज दी हुई है 1 3 5, ये हमारी ऑड नंबर की सीरीज है,
और ऑड नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, वन से शुरू होते हैं, तो बिल्कुल सही सीरीज लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, इसका हमें योग बताएंगे, तो हम क्या करेंगे लास्ट वाली ले लेंगे 21, 22, 23 upon 6, इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 7 जा क्या हो जाएगा 21, इस 2 से इसको काट देंगे तो 7 × 11 × 23, इन सब का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 7 7 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट नंबर है वी आई मतलब छठवा नंबर। छठवा कौन सा है, छठवा है 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 36 का स्क्वायर। अब देखो ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज जो है हमारी कौन सी सीरीज है, ये भी ऑड नंबर की सीरीज है, किसकी है ऑड नंबर की, ना तो ये नेचुरल नंबर की है, नेचुरल नंबर की होती तो यहाँ पे 16 लिखा होता, यहाँ पर 18 लिखा होता। ठीक, यहाँ पे क्या आता 16 आता और यहाँ पर 17 आता। ठीक, पर यहाँ पर सीरीज को किसकी है, हमारी ऑड नंबर की सीरीज है, तो हम क्या करेंगे ऑड नंबर की सीरीज है, वो भी ऑड नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, वन से शुरू होते हैं, इसलिए ये सीरीज क्या है पूरी नहीं लिखी हुई है, हम लोग पहले इसको पूरा करेंगे, पूरा करेंगे तो यहाँ पर क्या वन से शुरू हुई होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, इसके पहले क्या 13 का स्क्वायर आया होगा, ठीक डैश डैश लगा देंगे 13 का स्क्वायर आया होगा, तो हम सबसे पहले 1 से 37 तक की सीरीज के वर्गों का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद में 1 से 13 तक के वर्गों का योग निकालेंगे, फिर इस पूरे में इतने को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले 1 से 37 तक की सीरीज के वर्गों का योग निकालते हैं, तो क्या आएगा 37 38 39, केवल ये ऑड और इवन पर हम सेम सेम लिख रहे हैं ऐसे 37 38 39। ठीक, ये लिख दिया अपॉन 6 माइनस, अब लास्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है 13 13 14 15 अपॉन 6, अब इसको क्या करेंगे कट करेंगे, जो कट हो जाएगा कट कर देंगे, तो कट करने पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा 2 से 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 3 से ये कट हो जाएगा 13 आ जाएगा, तो 37 × 19 × 13 माइनस, इसके बाद में यहाँ पर कुछ कट होगा 2 3 2 से 3 जा 6 2 7 जा 14 3 5 जा 15, तो 13 × 7 × 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आएगा 9 1 3 9 माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा 4 5 5, अब इसको क्या कर देंगे एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 8 6 8 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर करते हैं, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट वाला है सातवां नंबर है, कौन सा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ……20 का क्यूब, इसका हमें क्या बताना है वर्ग बताना, इसका हमें क्यूब बताना है, वर्ग नहीं बताना है, जो ये संख्या लिखी क्यूब की है, इस सीरीज का हमें क्या बताना है योग बताना है, क्या बताना है योग बताना है वर्गों का, सीरीज तो हमारी प्राकृतिक संख्याओं की लिखी है 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याओं की है, और इसका क्या दे दिया गया है क्यूब दे दिया गया है, और कहा गया है इसका योग बताओ, तो हम कैसे करेंगे, तो क्यूब वाले में थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें क्या करते हैं लास्ट की संख्या लेते हैं, ले ली लास्ट की संख्या ले ली, फिर उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया, फिर इसमें क्या किया 1 ऐड किया, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, चाहे वो नेचुरल में हो चाहे वो ऑड में हो चाहे वो इवन में हो वर्गों में हो, वही हम इसमें क्या कर रहे हैं घन में कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लास्ट की 20 ले ली और उसमें 1 ऐड किया 21 हो गया, अब क्या कर देंगे कि यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इतना याद रखना है कि जिसमें तो आपको यहाँ पे 3 लिखा मिल जाए क्यूब लिखा मिल जाए तो याद रखना है यहाँ पर क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा,
अब क्या है कि जो पीछे वाली संख्या इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। पीछे वाली संख्या के नीचे क्या कर देंगे, दो लिख देंगे, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो लास्ट वाली संख्या 20, उसमें एक ऐड किया 21, फिर उसका हमने क्या कर दिया, क्यूब लिखा था इसलिए हमने यहाँ पर वर्ग लगा दिया, और लास्ट वाली संख्या के नीचे कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 2 से 20 को काटेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। क्या आएगा, 10। अब 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 100। फिर उसके बाद में हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 441। ठीक, अब इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर 44100 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां कहीं पर भी क्या लिखा हो, क्यूब लिखा हो, तो याद रखना है यहाँ पर स्क्वायर लगेगा और 6 से डिवाइड नहीं होगा। केवल जो स्क्वायर वाले होते हैं, चाहे वो सम हो, विषम हो, नेचुरल हो, उसी में 6 से डिवाइड होगा, क्यूब वाले में 6 से डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, 2 से डिवाइड होगा, किससे, 2 से, वो भी जो सेकेंड नंबर पे होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर करते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा, 8वां नंबर। 8वां नंबर कौन सा है, 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डैश डैश यहाँ पे 20 का क्यूब, इसका हमें योग बताना है। क्या बताना है, इसका योग बताना। तो सीरीज हमारी कौन सी है, सबसे पहले सीरीज देखो, नेचुरल नंबर की सीरीज है। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से। तो ये सीरीज हमारी क्या है, पूरी नहीं लिखी हुई है, तो हम सबसे पहले इसको पूरा करेंगे। 1 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर इसी तरीके से डैश डैश यहाँ पर 9 के क्यूब तक हम आ जाएंगे। ठीक, 1 से 9 तक के क्यूब पर आएंगे, तब जाके तो ये शुरू होगा 10 का क्यूब और 11 का, 12 का। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 से लगा के 20 तक का क्यूब निकालेंगे, जैसे पहले कर रहे थे स्क्वायर वाले में, उनका स्क्वायर ने स्क्वायर के वर्गों का योग कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक के जितने भी क्यूब दिए होंगे उनका योग निकालेंगे, फिर उसके बाद 1 से 9 तक के जितने भी क्यूब दिए होंगे उनका योग निकालेंगे, फिर उनका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, वो इतने संख्या जो ये वर्ग दिए गए, ये क्यूब दिए गए हैं, इनका योग होगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक के घनों का योग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 20 लेंगे, 20 लिया, 20 में एक ऐड कर दिया, 21 हो गया। 20 लिया, 20 में पेन ऐड कर दिया, 21 हो गया। इसका क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया, लास्ट वाले पे 2 रख दिया, इसके बाद में माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, 1 से 9 तक का लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 9 में एक ऐड करेंगे, 10 आएगा, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे और पीछे वाली संख्या के नीचे 2 लिख देंगे। पहले लास्ट वाली संख्या, इसमें एक ऐड कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। ठीक, याद रखने के लिए, यहाँ पर क्यूब है तो याद रखिएगा यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, और जो पीछे वाली संख्या होगी उसके नीचे 2 लगेगा। सब में, ऐसा नहीं है कि इसी में केवल 2 लग रहा है, सब में स्क्वायर लगेगा और नीचे सब में 2 लगेगा। ठीक, इसके बाद में इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, 10 आएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 414 माइनस, यहाँ पर 2 से 10 कटेगा, 5 आया, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4100 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 आ जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरे से, तो क्या आ जाएगा, 42075 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या थे, ये क्यूब वाले थे, क्यूब वाले में क्या लगाना था, स्क्वायर लगाना था, लास्ट वाली जो संख्या थी उसमें 2 से डिवाइड करना था। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।